पढ़ के आपके हाथ में दे सकता हूँ, आपके घर में, आपके सामने, आपके सोफे पे बैठे। आज के बाद मेरा राजी फैसला। भाई देख ली हालत, तेरी गांड में दम था सामने से बात करने का। औरत है तू माता चोद, तू कह रहा था ना गाली कैसे दूंगा, तेरी माँ की चूत। आप भाई आए नहीं, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो आपका मान सम्मान, आप हमारे मेहमान, थोड़े बहुत भाई हैं बाकी आ जाएंगे। जैसे ही कर लेना, जैसे टर्म्स करने हो, प्यार से, भाईचारे से, या कैसे ही बता दो, कहाना है, हम आते, बात खत्म करो, कट कर लो। तो भाई ऐसा है, जैसे मैं कल तुम्हें समझा रहा था कि बदमाशी बदमाशी कुछ नहीं है, पहले अपनी औकात देखो, अपना भी हो तो देखो, तुम्हारे बस की बदमाशी है तो करो, दूसरों के दम पे मत करो। अभी भाई हमारा घुस गया दूसरे, जो डॉन था हमारा ये सोशल मीडिया का, ये घुस गया दूसरे गांव में जाकर, और वहां जाकर हमें लोकेशन दे रहा कि मैं इस गांव में खड़ा हूँ, लोकेशन ढूंढो और आ जाओ। और जब हमने हमारे भाई वहां भेजे तो देखो क्या हुआ। भाई गांव का नाम क्यों ले रहा हूँ बताओ यार, मेरी बात सुनो भाई, नौज का है। भाई राजवीर भाई की तरफ से आए हैं, हाँ भाई, जो भी है, जो भी भाई है, भाई बीच में भैया जो भाई बोल रहे हो ठीक, भाई हमारा भी ऐसा ही है भाई। आज के बाद मेरा राजवीर भाई से कोई द्वेष नहीं है। तो भाई देख ली हालत बदमाश की। तो मेरे भाई सबको एक लाठी से मत हांका करो, सारे लोग एक थाली के नहीं होते, ये पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, कौन कब गांड फाड़ दे कुछ नहीं पता होता, ठीक है। मेरा किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सबको भाई मानता हूँ अपना, लेकिन ये जब चिल्ली मार जाए, गाली दे रहे बिना वजह गाली बर्दाश्त कर लेंगे भाई, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ध्यान रखो भाई। देखो ऐसा है, अब ऐसा, अब जो कह रहा है कि भाई मैं खिला आ रहा हूँ, मैं 40 कहाँ गए भी, जब तू इकला रहा है 40 कहाँ गए, जो तेरे पीछे रह गए अभी 40 जिम को निकल गए, ये 40 बालक राखे करो, स्कूल भी चले गए, पेपर ही पर चल रहे फिर बेचारे उन्हें सची ना तो हमें कुछ पढ़ देता हो, ना कुछ याद करने देता हो, यही में लात मार ली 40 बालक ने, अब वो आगे पीछे छोड़ गए, नु करो मैं अकेलो आ रहा हूँ, अकेलो तो आया कोई 40 लागो तो 40 में से एक आध मरेगा भी, जब मरेगा तो उनको जिम्मेदार भी तू ही रहेगा, क्योंकि कहीं ढंग की जगह पे बैठने के बाद तनु भी तो पता चलनी, सारी गलती बहन जो कितनी बड़ी होगी हम पे, किसी को भी मैसेज, किसी को भी कुछ भी, किसी को भी स्टोरी डाल लो, बस चूतिया पाजी कुछ बता दे करो, इन बालक ने सिखाई करो कुछ ऐसी बात। मैं तो मना कर रहा हूँ भाई, बदमाशी में कुछ भी ना, ये तो कह रहा हूँ बुरी लगी उसे, क्या बुरी लगनी चाहिए, मारेगा हमें तो, पहले भैया से बात तो करवा, इतने सारे बंदे ने चार लोकेशन बदलवा दी थे अब तक, सुनो राजीव भाई बोला एक मिनट अरे भाई थे ना, अभी तो कही थे ना, अभी तो रील डाली ही, अभी तो डाली थोड़ी देर पहले ही, तो वहां पहले सबसे पहले डिलीट मारेगा फोन ले, वही वही रील डिलीट मार, मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ बदमाश बनाऊंगा हाथ मत लगाओ ना रजत, मैं आके बात करूंगा, आके ना आ रहा हूँ चलो भैया। तो भाई ऐसा है, मैं आ चुका हूँ नितिन चंदीला भाई के जिम पे, एक डॉन ने, सोशल मीडिया के डॉन ने मुझे बुलाया, पहले उसने मुझे कहा लोकेशन दे दे, मैं नोएडा आ रहा हूँ, अकेले आ रहा हूँ, मैंने लोकेशन दी, दो ढाई घंटे वेट किया, आया नहीं, अब मैं फरीदाबाद आ गया भाई, उसके शहर, उसके स्टेट में, उसकी जगह पे, और यहाँ से उसका घर 3 किलोमीटर दूर है, बस मात्र 3 किलोमीटर, मैं रात तक हूँ, रात तक का टाइम दे रहा हूँ भाई, मन कर रहे रात तक आई है हम, जितने बदमाश जोड़ दे उतने बदमाश जोड़ लेगा, देखो तो जोड़ लेगा, और कोई फालतू लोग नहीं, कोई बदमाश नहीं, सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिन्हें तुम जानते हो, त्यागी जी, विटमनजीत, आदि भाई, तुम्हारा भाई राजवीर, और तुम्हारा भाई मैं, कोई फालतू वो नहीं है,
कोई बदमाशी नहीं। अरे भाई आजा यार, जो भी है। हाँ मैं तुझे टाइम दे रहा हूँ कि तुझे जितने बदमाश जोड़ने, जितना शहर जोड़ना, जितने गांव के परिवार के यार दोस्त जितने भी सिस्टम है, जितना सिस्टम है तूने बनाया हुआ आज तक, वो सारे ले आ और आके जैसे स्टोरी में गाली दी थी ना, ऐसे एक बार मेरे यहाँ सामने खड़ा हो और एक बार गाली देके दिखा दे और वो सिस्टम वापस ले आके दिखा दे। चलो अभी तो तू और नहा रहोगे, जैसे बारिश का मौसम हो रहा है, कल को भी टाइम ले ले, रगड़ रगड़ के नहा ले आराम से। मैं और 5 घंटे दे रहा हूँ, 5 घंटे दे रहा हूँ, आराम से रगड़ रगड़ के नहा, सबको फोन कर, जितने तेरा सिस्टम बने सबको लेके आ जा, वेट कर रहा हूँ, ठीक है भाई। किस टाइम से खुला हुआ दे रखा है? सुबह 10 बजे मैंने चैलेंज दिया था कि आ जाओ, और 10:30 बजे से लोकेशन और चैलेंज कुछ नहीं है ये, बिना मतलब की फालतू का सोशल मीडिया का है, जिस तरीके से पहले बिना मतलब की सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर बढ़ जाए, है ना भाई? तुम कितनी देर बोली भाई? मेरे को हुए 4 घंटे, है ना? अब 4 घंटे से ये लोकेशन वो लोकेशन, कई लाख का नुकसान हो गया, है ना? महंग बेचारा चप्पलों में आ गया, 6 घंटे में अगले का भाई बनकर अगले की शादी हुई है भाई, पता नहीं कैसे कैसे पता नहीं भाई। हम जब पहुंचे थे 3-4-5 गाड़ियां खड़ी थी, देखते देखते ही भाई हमने देखा इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, नाना करते भी 60-70 लोग अपने आप ही आ गए, कोई नहीं बुलाया, किसी को भी नहीं है, एक आदमी को फोन नहीं हुआ है, सब पहुंच गए बस कि भाई कहाँ जाना है कहाँ पूछना है। तो ऐसे मत लड़ो ना, ऐसे करो भाई, अगर गुदा है तो लड़ो, वरना ये बकचोदी मत करो, है ना? फालतू की बकचोदी मत करो, बात करो। रिस्पॉन्स में मेरे पार्ट पे 4-5 स्टोरीज गई थी जिसमें किसी का डायरेक्ट नाम नहीं था और कोई गाली डायरेक्ट नहीं थी, पर ये ऑलरेडी एक प्री प्लान्ड चीज थी, ठीक है? मतलब बिल्कुल बिल्कुल तसल्ली से इस चीज को समझना, थोड़ा ओपन माइंड करके। आज तक रजत दलाल ने कभी राजवीर सिसोदिया को उल्टा नहीं बोला सिंगा वाले केस में। मैं लाइव लेके आया भाई को, इनका नंबर मेरे फोन में भाई के नाम से सेव है, भाई के नाम से इन्होंने स्टोरी डाली कुछ भी, उससे पहले इनसे मेरी कोई बातचीत ही नहीं है दूर दूर तक, चलो डाल दी वेल एंड गुड है। इन्होंने उसका एक सीन बनाया दोपहर में कि भाई तूने मेरे को गाली दी है, मिलने आ जा। मुझे लगा मजे ले रहे हैं, मौज मस्ती अपने भाईचारे वाली चीजें, मैंने भी मजे मजे में बोल दिया भेज दो लोकेशन, अड़का रही है मैं। मैं यहां से निकल चुका था अकेले, मैंने नितिन भाई से बोला, मैंने कि यार पता नहीं इनको बातचीत किया, एक बारी बात करो। तो नितिन भाई ने बोला, मैं नाम लेके बोल रहा हूं भाई का, कि भाई आप मत जाओ, कोई इतनी बातचीत नहीं है, खत्म करो। मैंने राजवीर भाई को कम से कम 7-8 फोन करे खुद से, उन्होंने फोन नहीं उठाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर आपने मैटर क्लोज करना होता है, कोई गिला शिकवा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो बात करनी होती है, टोटली डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इन्होंने स्टोरीज डाली कि हम आ रहे हैं, फरीदाबाद आ रहे हैं। मैं 2 दिन से सोया नहीं हूं, 2.5 दिन हो गए हम खैर। मैंने की कोई बात नहीं, मिलके फेट के करेंगे खत्म। मुझे इतना 200% पता था कुछ इशू का प्रॉब्लम का बनेगा ही नहीं, क्योंकि कोई ऐसा अराइज ही नहीं है, कहीं मैंने कोई गाली गलौच नहीं करा, कुछ प्रोवोक नहीं करा। ये एक छोटी सी कह सकते हो प्यारी सी कॉन्स्पिरेसी थी, मेरे पार्ट पे कोई बंदा नहीं आया, मैं कभी किसी को बुलाता ही नहीं। इनकी तरफ से इनके जो भी यारे प्यारे भाई आए ना, आज से पहले मैं वो आदि नागर है ना, जो भी हैं आदि नागर मैक्स वगैरह जो भी भाई हैं, उन भाइयों से मेरी आज तक हाय हेलो नहीं हुई है कि हां जी कौन हो, कैसे हो, कहां से हो। वो सारे बंदे तक आ गए, ये लोग आए नितिन चंदीला भाई की जिम के बाहर फिटनेस गैराज में। मैं उस टाइम घर पे था, मेरे को लगाया सीन बढ़ रहा है थोड़ा, मैं बड़े भाई साहब के पास गया स्कूल में, तो मैंने बोला भाई आ जाओ आप लोग यहां पे, डांस सीन है, स्कूल का गांव का नाम बोल दिया। 6:30 बजे तक ये लोग आए नहीं, एक रील बना के मैंने इनको भेजी थी कि भाई हम लोग आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है अंधेरा हो चुका था। मेरे भाई मेरा आपका बैर ही नहीं था, वो आपने सोशल मीडिया पे बैर बनाया, आप अपने साथ कई इन्फ्लुएंसर लाए, आदि नागर मैक्स फिटनेस जो भी है, जिनको मैं कभी जानता तक नहीं था, जिनको मेरी हाय और हेलो भी नहीं है, और वो आके कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सुबह इनमें से एक भाई को फोन करा, वो कहता किसी लेडी के लिए उल्टा बोला है, और ये भाई कहते गाली दी है। गाली कहां दी है और कहां पे आपका नाम है एक बार प्लीज दिखा देते। आपने जो बोला ना कि इसने मेरे को गाली दी है, कहां पे आपका नाम लिखा और कहां पे गाली लिखी वो दिखाओ। चलो ठीक है, आपको जानबूझ के सीन बनाना था, आपके पास स्क्रिप्ट रेडी थी, इट्स वेल एंड गुड। आपने मुझे बुलाया, मैं यहां से निकल गया था अकेला, मैंने नितिन भाई को फोन करा कि भाई पता नहीं क्या सीन है,
राजवीर भाई के पता नहीं क्या सीन हो गया है। उन्होंने बोला भाई मत जाओ, कुछ भी सीन नहीं है, ऐसी हो सकता है तफरी कर रहे हो, कुछ भी चीज है, हो सकता है सीन बड़ा हो छोटा हो जो भी है। उनको उस टाइम पता नहीं था, उनको किसी पॉडकास्ट में जाना था अनूप भाई सब के यहां। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मैं सोने जा रहा था, मेरे पास अलग अलग जगह से फोन आ गए कि भाई राजवीर भाई का आपका क्या पंगा हो गया, वो फरीदाबाद आ रहे हैं। मुझे लगा मौज मस्ती का कुछ सीन होगा, मैं भी मौज मस्ती लेने लग गया, मैंने कहा आ जाओ। इन्होंने आके फिटनेस गैराज पे आके लोकेशन भेजी, मेरे बड़े भाई साहब थे स्कूल में, तो मैं स्कूल गया, मैंने कहा स्कूल में आओ बात करते हैं। 6:30 तक का टाइम था भाई, आप में से कोई नहीं आया। जब उसके बाद हमने इन्हें एक वीडियो भेजी ना बना के, जो कि दिन के टाइम में थी, जो कि मैं अभी डालने वाला हूं, कि हम आपके पास आ रहे हैं, उसमें से इनमें से पता नहीं, मेरे को नहीं पता कौन था, उसने कोई बंदा भेजा जिसने बोला कि मैं इनका साला हूं, मेरी बहन इनके यहां ब्याही हुई है। भाई उस बंदे की हमें बात रखनी पड़ी, इज्जत रखनी पड़ी, हमने बिठाया अंदर लेके गए। उन्होंने हमसे प्रिटेंड कराया कि भाई सॉल्यूशन हो गया है, राजवीर ने अपने पार्ट की सारी रील्स और स्टोरीज हटा दिए, मेरी उनने सामने बैठ के स्टोरीज हटवाई, रील मैंने आर्काइव करी, डिलीट नहीं करी, चलो इट्स वेल एंड गुड। वहां से वो सीन निपटा, उसमें से 5-5, 6-6 सेकंड की छोटी छोटी क्लिप ली गई हैं। भाई मेरे को आप कोई बंदा भेजते हो भाईचारे के लिए कि भाईचारा बनाएंगे, आपस में लड़ो मत, और जबकि आपका मेरा कभी कलेश ही नहीं हुआ। सबसे मजे की चीज तो ये है, मेरा और इनका कोई कलेश ही नहीं था आज तक। मैंने ना आपको कुछ बोला, ना किसी जाति को, समूह को, ना आपके किसी दोस्त को कभी कुछ बोला, आपने खाली इंगेजमेंट पाने के लिए कर लीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई आपका अकाउंट कितना उठे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक छोटी सी चीज बताओ, जो आपने ये चीज करी है कर ली, अगर मैं इस चीज को बढ़ाता हूं, मेरे पीछे से बहुत फोन आ रहे हैं, आपकी और मेरी चीज की वजह से ना ये सामाजिक चीज बन जाएगी, ये सोशल मीडिया नहीं रहेगा, सामाजिक चीज बन जाएगी। हरियाणा में वैसे ही सरकार ऊपर नीचे हुई है, हल्के से किसी के अपने मजे के लिए आप एक कहीं छोटी सी क्लिप दिखा देना कि रजत में धक्का भी लगा हो, जो आप दिखा रहे हो ना, दबा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, भाईचारे का बंदा भेज के भाई ये चीजें करना बहुत अनएथिकल है। आप आए थे बात करने, विचार करने, जो भी करने, आप सामने बैठते, फेस टू फेस करते, मैन टू मैन बात करते। जब हम मैन टू मैन करने आ रहे हैं तब आप खुद नहीं आ रहे, आप किसी को भेज रहे हो, वो तो गलत चीज है ना भाई। आपने कोई बंदा भेज दिया, उसके बाद आप नितिन भाई का सॉल्यूशन कराने चले गए, ये भाई बहुत गलत चीज है। मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना, अगर आप सामने सामने कुछ करते ना तो चलो देखा जाता कि क्या सीन है, पर ये भाई बहुत गलत तरीका था। हाँ दिमाग यूज करा है नो डाउट, पर मेरे को इसके ऊपर सच में कुछ नहीं कहना, क्योंकि मेरे को ये छोटी चीज लगी कि किसी ने खाली अपने एक फायदे के लिए एक इंसान के ऊपर एक आरोप लगाया, उसको ट्रिगर करके, और जो भी चीज करी कर ली। मेरे भाई आप अपने खुश रहो, मुझे एक रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, 1 घंटे बाद मेरी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, मैं 2 दिन में और बेटर हो जाऊंगा। आप अपनी लाइफ में मस्त जियो, मस्त खुश रहो, मुझे कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। और अगर आपको कभी कुछ हो ना कि हाँ मुझे बहम मिटाना है, रजत ये है और रजत वो है, तो भाई आप एक बार आ गए हो, आप अगली बार फिर आ जाना, एक स्टोरी डाल देना कि हम कल आ रहे हैं, हम परसों आ रहे हैं, हम तरसों आ रहे हैं। ये चीज राजवीर भाई आपने बहुत गलत करी है, जो कि सच में बिल्कुल सही नहीं है। आप भाईचारा खराब करने वाले काम कर रहे हो, बढ़ाने वाले काम नहीं कर रहे। मैंने कभी आपको नहीं छेड़ा, आपने जानबूझ के प्रिटेंड करवाया कि मैं आपको छेड़ रहा हूं, जिसमें आप काफी हद तक सफल हुए। अब आपने रील बनवाना, मीम बनवाना, अगर कहीं रजत में कुछ हुआ है तो वो डाल के दिखा दो बस, कि हाँ रजत के साथ ये हुआ है। गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। अब अपने आप मस्त रहो, अब जाओगे चिकन खाना, मटन खाना, जो खाना वो खाना, अपने खुश रहना। अब आके बोल देना इंस्टाग्राम के बदमाश, भाई हम बदमाशी नहीं करते, और बदमाशी करने पे आएंगे ना तो फिर दिखा भी देंगे बदमाशी होती क्या है। बहुत प्यार से हैं, बहुत सबर से हैं, आपको ये चीज लग रहा है कि मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे। और आपको ये लग रहा हो ना चीज खत्म हो गई है, अगर इसे बढ़ाना चाहूं तो मैं कल बहुत बढ़ा सकता हूं, पर आपके मेरे बढ़ाने के चक्कर में ना इस समाज की इतनी बड़ी चीज बन जाएगी ना, जिसमें आप भी पिसोगे और मैं भी पिसूंगा। तो भाई सोच समझ के चीजें करो, बढ़िया रहेगा, और अपने गैल वाले लोगों के साथ मत करो तो बढ़िया रहेगा। आप अपने ख्याल रखो, खुश रहो।
और जो भाई हमारे ये कह रहे हैं कि भैया लाइव आके चूतियों की तरह गाली गलौज कर रहा है, तो भाई वो कहावत सुनी है, गांड फटे तो फटे पोजीशन ना घटे, वो इस चूतिये के लिए बनाई है जी बनाने वाले ने। भाई कह रहा मैंने तुझे बुलाया ही नहीं था, भाई तूने तो बुलाया था चार्जर लेके कि आ रहे हो तो चार्जर लेते आना। और सामने आके जब हमारा भाई तेरे पास बैठा था, वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, मेरा राजवीर भाई से कोई द्वेष नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, आगे से कोई बात नहीं होगी, राजवीर भाई जब वापस घर आ गया तो मैं गांड फाल दूंगा, मैं छल पे आंट रख दूंगा। जब घर में घुस के, शहर में घुस के, तेरे क्षेत्र में घुस के तेरी गांड फाड़ दी, जब कुछ हुआ नहीं, वापस आके रील में बख्शो जी मैं गांड फाल दूंगा लाइव पे आके। भाई कमरे में बैठे बैठे तो कोई भी किसी की गांड फाड़ दे, सामने नहीं आया, सामने अब आ जा भाई। मैं तो फिर कह रहा हूँ जगह टाइम रख ले, मेरी जगह पे तू आ जाए तेरी पे मैं आ जाता हूँ, तेरी गांड में तो इतना था मैं नहीं, तू हमारी पे आ जाए। तो भाई जहाँ तुझे मिलना हो, जब मिलना हो, हमारे सर पे आंट रखने या हमारी गांड फाड़ने, जब तुझे रील से और लाइव से फुर्सत मिल जाए तो बता दियो, हम आ जाएंगे भाई। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। मैं फिर क्या कहें, 76 लौंडे आ गए, अच्छी लौंडे आ गए। ठीक है, तैयारी कर ले, जगह टाइम डेट बता दियो, मैं आ जाऊँगा भाई। ठीक है, रोता रहेगा चूतियों की तरह। तो भाई देखो ऐसा है, मुद्दे की बात ये है कि मुझे भी ना 3-4 साल हो गए, शायद 1 साल मेरा गैप हो गया था, 4 या 5 साल हो गए यूट्यूब पे आए हुए, पर कभी जिंदगी में ना तो किसी गरीब पर बदमाशी दिखाई, ना किसी के लकड़ी करी बिना वजह, व्यू के लिए या तुम्हारे फॉलोवर सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, कभी जिंदगी में नहीं। कभी किसी गरीब पे तो ऊंची आवाज़ करके बात करने का मतलब ही नहीं। हाँ, किसी ने मुझे छेड़ा तो बदले में छेड़ा होगा, क्योंकि फिर भाई खून इतना ठंडा भी नहीं है। तो बात ऐसी है भाई, ये जितने भी लोग ऑनलाइन बदमाश बनते हैं ना, सच बता रहा हूँ, रियल लाइफ में औकात कुछ नहीं है, ऑनलाइन की बदमाशी रह गई है। अब ये जो भी भाई है जिसने हमारे भाई नितिन चंदिल्ला को छेड़ा कल रात, उसने वीडियो तो बना दी, वीडियो बना के डिलीट भी कर दी, अब उसके दुनिया भर के मैसेज, उसके रिश्तेदारों के, यार दोस्तों के मैसेज आए, क्योंकि मैं और नितिन भाई अभी साथ में ही थे जिम में, कि भाई छोड़ो बात खत्म करो, बात खत्म करो, जब तुम्हारी गांड इतनी फटती है फिर तुम ये पंगेबाजी करते क्यों हो। तो अगर आगे बढ़ने का इतना शौक है या कुछ करने का जरूर ना, तो अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। अगर तुम्हें अपनी मेहनत पे विश्वास नहीं है ना, दैट मीन्स आप मर्द नहीं हो यार। अगर आपको ये पता है कि मेरी औकात इतनी है, मैं दूसरे की गांड में उंगली करूँगा तभी थोड़ा बहुत बढ़ूंगा, तो भाई मेरे हिसाब से तो बेकार, जीरो, आप जीरो हो जो भी है। जितने भी लोग ये काम करते, दूसरों की टांग खींचना, दूसरों के नाम पे व्यू खाना, फॉलोवर बढ़ाना, भाई कितने दिन खा लोगे। जो दूसरे इंसान मेहनत करके इतनी आगे आए हैं, इतना दिन रात मेहनत पसीना खून पसीना एक करा है, उनको खींच के तुम नीचे खींचोगे और तुम्हें लग रहा तुम आगे चले जाओगे, तो भाई चले तो जाओगे, फिर ऐसे तो ढिंचक पूजा के भी हैं यार, तुम भी दूसरी ढिंचक पूजाओ। तो भाई ये जो करते हैं भाई, और छोटे छोटे बच्चे जो तुम इन्फ्लुएंस होते हो कि बहन जो हम भी बदमाश बनेंगे, भाई 2 पटे पड़ेंगे ना पुलिस के, फूल जाओगे बदमाशी, सच बता रहा हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे भाई हमारे, जिनको ये लग रहा भाई, ये जो तुम सोशल मीडिया पर देखते हो, ये चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं, असल में ना इनकी गहराई कुछ और होती है। अदरवाइज दूसरों को खींचोगे ना, दूसरों को खींचने की नीयत रखोगे, फॉलोवर व्यू शायद बढ़ जाए, पर ना तो वो इज्जत रहेगी, ना भाई समाज में मर्द कहलाओगे। ठीक है, तो सारे भाई ध्यान रखो अपना, और अपनी मेहनत पे ध्यान दो, और अपने ऊपर इतना विश्वास रखो कि हाँ मैं ज़िंदगी में मेहनत करके ईमानदारी से 4 पैसे कमाऊंगा, या जो भी करना चाहता हूँ लाइफ में अपनी मेहनत पे करूँगा। ठीक है, चलो भाई, गुड नाइट। हम कहाँ ज़्यादा इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है, कल हमने वो लड़ाई वाली स्टोरी सुना दी, या तुम जो लोगों पे वीडियो बना रहे हो, हर तरफ कंट्रोवर्सी, यूट्यूब पर देखो अनुराग की चल रही है, मुनावर से अभी 2 दिन पहले एलविशी खत्म हुई है, कभी किसी की, इससे कुछ नहीं होना, ये सब झाटू बना है भाई। ठीक है, मेहनत पे ध्यान दो।